हेलो एवरीवन, दोस्तों कैसे हो आप सब। मैं निधि राज आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल आईक्यू स्टार्टअप में। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, हम पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ की चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, और उसके अंदर हम लोग देख रहे थे मेंडल्स थ्योरी के बारे में, मेंडल्स लॉ के बारे में, और हमने उसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद क्या होता है, किस तरीके से जनरेशन में असर आते हैं। फर्स्ट मतलब जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद जो फर्स्ट जनरेशन होता है उसमें किस तरह के जो ऑफस्प्रिंग्स देखे जाते हैं, और उसके बाद जो उसका सेकंड जनरेशन होता है यानी कि F2 जनरेशन होता है, उसके अंदर किस तरीके से बच्चों के जो गुण होते हैं किस तरीके से ट्रांसफर होते हैं वो भी हमने देख लिया था, और साथ ही उसका जेनोटाइप और फेनोटाइप जो भी उसका रेशियो आया था वो हमने देख लिया था पिछले क्लास में। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मेंडल्स की दूसरी थ्योरी जिसका नाम है डाईहाइब्रिड क्रॉसिंग ओवर, यानी कि डाईहाइब्रिड क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, किस तरीके से उसके जेनोटाइप रेशियो आती हैं, फेनोटाइप रेशियो होती हैं, और डाईहाइब्रिड क्रॉसिंग ओवर होता क्या है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे आज के क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही हमारे बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नॉलेजेबल वीडियो आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, और साथ ही वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताती हूँ कि एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, बाद में आप भूल जाते हैं, इसलिए मैं पहले बोल दे रही हूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में कि हम पढ़ने के हवाले हैं। तो जैसा मैंने अभी अभी बताया कि हम लोग पढ़ रहे थे मेंडल्स थ्योरी के बारे में, और उसमें हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग देख चुके थे, और हम पढ़ने वाले हैं डाईहाइब्रिड क्रॉसिंग ओवर। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि डाईहाइब्रिड होता क्या है, पहले वो समझें। तो मोनोहाइब्रिड के अंदर हमने क्या कहा था कि एक ही कैरेक्टर के दो अपोजिट करेक्टर लेके अगर हम क्रॉसिंग करवाते थे तब वहां पे क्या होता था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब यहां पे जैसे हमने देख रहे हैं कि दो गुण लिया है, पहला राउंड शेप लिया, रिंकल शेप लिया, ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए, है ना। कैपिटल आर बता रहा है कि जो मटर के दाने हैं उसका शेप कैसा है, राउंड शेप में यानी कि गोल शेप में है, और यहां पे जो स्मॉल आर है वो दिखा रहा है कि जो मटर के दाने हैं उसका शेप कैसा है, रिंकल्ड यानी कि झुर्रीदार है, है ना। दूसरा गुण, ये पहले गुण हो गए, ठीक है, ये दोनों जो हो गए ये पहले गुण हो गए आपके मटर के दानों के, और दूसरा गुण क्या है कि उनका जो पॉड बनेगा यानी कि उसकी जो फलियां लगेगी उसका कलर जो है येलो पॉड में है, और दूसरे वाले का जो पॉड है वो किस तरह का है, ग्रीन पॉड में। आपने देखा होगा कि दो तरह की फलियाँ आती है, एक हल्के पीले कलर की होती है और दूसरा ग्रीन कलर की होती है। तो मटर के इन दो गुणों को लेके जब हमने क्रॉसिंग करवाया, या हम इन दोनों के अलावा हम उसके फूलों को कलर को भी ले सकते हैं, या फिर मैंने और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स जो पी के बताए थे उनमें से कोई भी अगर दो गुणों को लेके हम क्रॉसिंग करवाते हैं, दैट इज कॉल्ड डाईहाइब्रिड क्रॉसिंग ओवर, क्लियर। तो अब यहाँ पर दो तरह के गुण वाले लिए गए RY, यानी कि यहाँ पे कहा गया कि ऐसे फलिये लिए गए जिसमें कैपिटल यानी कि राउंड शेप और यहाँ पे येलो पॉड वाले, यहाँ पे जो लिया गया कि यानी कि राउंड शेप्ड के फली थे लेकिन उसमें ग्रीन पॉड थे, ठीक है। यहाँ पे कहा गया कि रिंकल शेप्ड थे लेकिन उसमें जो पॉड थे वो येलो पॉड थे, और यहाँ पर जो देखा गया यहाँ पर किस तरह का है कि ये रिंकल शेप्ड और ग्रीन पॉड वाले फलियाँ लिए गए। अब इस तरह के गुणों को, दो कैरेक्टर्स को हमने इधर भी लिखा है, सेम वही कैरेक्टर्स यहाँ पे भी लिखे गए हैं, और इनका जब क्रॉसिंग करवाया गया तब क्या रिजल्ट आता है वो देखें। तो यहाँ पर जब आर वाई को जब कैपिटल वाई कैपिटल आर और कैपिटल आर कैपिटल वाई को जब क्रॉसिंग करवाया गया तो हमें मिला यहाँ से आर डबल आर डबल कैपिटल आर, और यहाँ से वाई डबल कैपिटल वाई। तो इसी तरीके से हमने इसके सारे रिजल्ट यहाँ पे निकाल के लिख दिए हैं, लिखने में टाइम लगता है इसलिए मैंने सारे रिजल्ट्स आपको ऑलरेडी लिख दिए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए स्मॉल आर वाई है तो यहाँ पे एक कैपिटल आर यहाँ से मिला और एक स्मॉल आर यहाँ से मिला, एक कैपिटल वाई यहाँ से एक कैपिटल वाई यहाँ से। इसी तरीके से मैंने जो इन सभी का गुणनफल जो है वो यहाँ पर निकाल के आपको दे दिया है। अब इसको देखने के बाद क्या दिखता है ये मैं बता दूँ, इसको देखने के बाद आप देखिए कि ये आर आर वाई वाई और कहाँ पर है, और कहीं ये पूरे जो यहाँ से यहाँ तक टेबल आपको दिख रही है
यहाँ से, क्योंकि ऊपर तो हमारे क्या है भाई, वो ट्रेड्स है ना, ऊपर ये हमारे ट्रेड्स हैं, तो हम इनको काउंट नहीं करेंगे, हम इसके ही बीच में देखेंगे कि ये जो हमारे रिजल्ट्स आए इनमें आर आर वाई वाई और कहाँ मिल रहा है, तो आपको दिखेगा कि ये कहीं पे और नहीं है, है ना। साथ ही एक और चीज़ यहाँ पे देखिए, आर आर वाई वाई यहाँ पे भी ये कहीं और आपको नहीं मिलेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे दो तरह के रेशियो हमारे निकल के आए, 9:3:3:1। अब ये फेनोटाइपिक रेशियो, फेनोटाइपिक रेशियो मैंने बताया था कि क्या होता है, बाहर से दिखने में जो लुक के हिसाब से जो चीज़ें नज़र आई उसको हम फेनोटाइपिक रेशियो कहते हैं। अब हमको यहाँ फेनोटाइपिक रेशियो को समझते हैं कि क्या है। अब देखिए यहाँ पे जैसे आर डोमिनेंस है और यहाँ वाई डोमिनेंस है। डोमिनेंस मैंने पहले भी बताया था आपको कि जिसका कैरेक्टर आगे आने वाले जनरेशन में नजर आ जाए उसको हम डोमिनेंस कैरेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे राउंड शेप जो है वो डोमिनेंस कैरेक्टर है और यहाँ पे जो येलो स्पॉट है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। यहाँ आर हो गया डोमिनेंट, है ना, और यहाँ वाई हो गया डोमिनेंट। ये आपके रिसेसिव है और ये भी आपके रिसेसिव हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके कैरेक्टर्स का पता चल गया। अब यहाँ पे बताइए कि ये पौधा कैसा होगा, राउंड शेप्ड वाली फलियों वाला होगा कि रिंकल शेप्ड वाली फलियों वाला होगा। नॉर्मल सी बात है, चूंकि दोनों आर आ रहे हैं तो राउंड शेप्ड ही होगा, है ना। तो ये मेरा बन गया राउंड शेप्ड, है ना, और साथ ही कलर कैसा आया इसका, यहाँ पे चूंकि दोनों डोमिनेंट वाले कलर हैं तो नॉर्मल सी बात है येलो कलर का फली लगेगा, है ना, समझ में आया। इसी तरीके से हम सबका निकालेंगे, इसका निकालेंगे तो यहाँ पे भी राउंड होगा और येलो कलर की होगी, है ना। लेकिन अगर इसमें निकालें तो ये किस तरह की हो जाएंगी, रिंकल्ड हो जाएंगी और ग्रीन हो जाएंगी, समझ में आ रही बात। जहाँ पे भी हमको एक कैपिटल आर दिखेगा या एक भी कैपिटल वाई दिखेगा वहाँ पे कहने का मतलब है कि वो राउंड शेप्ड होगा, और एक भी कैपिटल वाई दिखती है तो वो येलो ही होगा, क्योंकि वाई क्या है, डोमिनेंट है। जैसे देखिए यहाँ पे एक वाई है और एक स्मॉल वाई है, एक कैपिटल वाई है एक स्मॉल वाई है, तो यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट मिलेगा वो किस तरह का होगा, ये दिखने में किस तरह का होगा, ग्रीन सॉरी येलो कलर का होगा। क्यों होगा येलो, क्योंकि कैपिटल वाई मौजूद है और ये डोमिनेंट है, इसीलिए इसमें लगी फलियों का कलर क्या होगा, येलो होगा, ठीक है। यहाँ पर भी देख लीजिए, एक कैपिटल आर है एक स्मॉल आर है, तो यहाँ पर किस तरह का शेप होगा, ये भी राउंड शेप में ही आएगा और येलो येलो कलर में होगा। तो इसी तरीके से हम सबका निकाल लें अगर, तो ये भी हो जाएगा राउंड और येलो, है ना, ये भी राउंड येलो। यहां भी बात करें तो राउंड, पूरा नहीं लिखती हूं मैं, शॉर्टकट लिखती हूं, टाइम लगेगा ज्यादा, येलो। यहां पर भी आपका होगा राउंड, अब यहां देखिए डबल स्मॉल वाई आ गया, स्मॉल वाई डबल स्मॉल वाई, तो यहाँ पर जब ये डोमिनेंट कैरेक्टर है ही नहीं तो उसका कैरेक्टर तो दिखेगा ही नहीं, है ना, तो इसीलिए यहाँ पर इसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन, क्योंकि वाई किसका कलर है, स्मॉल वाई, ग्रीन का, और चूंकि दोनों स्मॉल वाई हैं तो दोनों स्मॉल वाई होने के कारण इसका कलर क्या होगा, ग्रीन होगा। जहां पे भी जहां कहीं भी हमको दोनों स्मॉल वाई मिलेंगे तभी ग्रीन होगा, नहीं तो जहां कहीं भी एक भी वाई अगर कैपिटल होगा तो वहां पे डोमिनेंट करेगा वो, डोमिनेंट करने के कारण जो फलियों की जो कलर होगी वो कैसी होगी, येलो कलर की होगी। तो यहाँ पे भी हो गया आपका राउंड येलो, यहाँ भी यहाँ पर हो गया आपका राउंड ग्रीन, है ना, यहाँ पे देखिए राउंड येलो, राउंड येलो, अब यहाँ राउंड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि डबल आर, अब इसमें राउंड वाला गुण है ही नहीं, दोनों के दोनों क्या हो गए, स्मॉल आर है और दोनों स्मॉल आर होने के कारण कौन सा गुण निकल के आएगा, रिंकल्ड होंगे, है ना, तो रिंकल्ड, और साथ में चूंकि दोनों कैपिटल वाई है
तो क्या हो जाएगा, येलो। यहां पर रिंकल्ड और येलो, यहां पे बात करें तो ये राउंड और ये ग्रीन है ना, यहां रिंकल्ड येलो और ये रिंकल ग्रीन। अब यहां पे हमको देखना है कि राउंड और येलो शेप वाले कितने हुए, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ। और कहीं दिख रहा है आपको, ये नौ जो हुए वो क्या है, राउंड शेप है, येलो कलर है ना, किसका, पॉड का, यानी कि उसकी फलियों का। तो इसलिए यहाँ पे हमने देखा कि पहला जो कैरेक्टर हमको मिला राउंड शेप और येलो कलर में वो कितने हैं, नौ। क्लियर। अब हम देखते हैं कि अगला देखते हैं, ये तो आपका खत्म हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे तो चारों हो गए, इसको लेके चलते हैं, राउंड और ग्रीन कलर में कौन कौन से आते हैं इसको देखते हैं। तो मैं इसको कुछ और निशान के रूप में लगाऊंगी, इसको मैं रॉन्ग वाले निशान के रूप में लगाती हूँ। तो ये एक हो गया राउंड एंड ग्रीन, ये भी है राउंड एंड ग्रीन, और आपका कहाँ मिल रहा है राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन, और कहीं पे दिख रहा है नहीं। तो एक, दो और तीन, ये तीन हो गए आपके राउंड एंड ग्रीन वाले। क्लियर। अब बात करेंगे हम क्या कि राउंड का तो दोनों कॉन्सेप्ट हो गया, राउंड येलो, राउंड ग्रीन। अब हम रिंकल को लेके चलेंगे कि रिंकल्ड के साथ येलो जो है वो कितने हैं, है ना। तो रिंकल्ड येलो देखते हैं कितने हैं भाई, रिंकल्ड येलो पहला, तो इसको हम स्टार मार्क बना देते हैं, ठीक है। रिंकल्ड येलो, यहाँ पे भी रिंकल्ड येलो होगा, है ना, और कहीं है रिंकल्ड येलो, यहाँ है। तो ये तीन आपको रिंकल्ड येलो भी मिल रहे हैं, तो इसका अनुपात क्या हो गया, तीन, ठीक है। और कहीं पे है कुछ नहीं। अब यहाँ देखिए केवल एक बच गया आपका जो है रिंकल्ड ग्रीन, है ना। तो ये एक अलग कैरेक्टर है, इसीलिए इसको अलग प्लस का साइन दिखा के हम बता रहे हैं आपको। तो ये जो है रिंकल्ड ग्रीन, ये अलग ही एक जाति जो है मिलती है हमें। तो हमने देखा कि जब दो कैरेक्टर यानी कि राउंड शेप, रिंकल शेप एक दूसरे के ऑपोजिट कैरेक्टर, और येलो पॉड और ग्रीन पॉड एक दूसरे के ऑपोजिट कैरेक्टर, जब इनका हम क्रॉस करवाते हैं, क्रॉसिंग करवाते हैं, तब हमको देखने के लिए क्या मिलता है, 9:3:3:1, ये रेशियो में फेनोटाइपिक रेशियो हमें प्राप्त होती है। फेनोटाइपिक क्या, सामने से देखने में ये पौधे कैसे दिख रहे हैं, है ना, राउंड शेप आ रही है, येलो पॉड आ रही है, राउंड शेप आ रही है, ग्रीन पॉड आ रही है, तो इस तरीके से देखने में लग रहे थे ये, है ना। तो ये कैसा रेशियो हुआ, फेनोटाइपिक रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर मैक्सिमम जो आपके एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ पर मोनोटाइपिक रेशियो में 1:2:1, और फेनोटाइपिक रेशियो जो यहाँ का है, सॉरी वहाँ का जेनुइन मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस हो रही थी, वहाँ पे क्या था, फेनोटाइप जो रेशियो था वो आपका 3:1 था, और जेनोटाइप रेशियो क्या था वो आपका था 1:2:1, है ना। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रही हूँ मैं। ये दोनों रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे एग्जामिनेशन में। आप किसी भी तरह का कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं वहाँ पे जनरल साइंस में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर माइंड में रखिएगा। और किस तरीके से आया वो मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता रखा है। एक और चीज़ पिछली क्लास में मैं बताना भूल गई थी कि इन दोनों जो एक एक ट्रेट जो काम कर रहा है इसमें, उसको हम अलेले के नाम से भी जानते हैं, इसको अलेले भी बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये किस तरह से निकाला गया, जेनोटाइपिक सॉरी फेनोटाइपिक रेशियो, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करें जेनोटाइपिक रेशियो की, भले ही ये है तो येलो दिख रहा है, लेकिन येलो है क्या, पूरी तरह से येलो है ये नहीं है, है ना, येलो है लेकिन ये एलो के साथ साथ इसमें ग्रीन वाले भी
कुछ गुण जो हैं पाए जा रहे हैं, तो इसको फिर अलग अलग करके जेनोटाइपिक रेशियो निकाला गया कि जीन्स के हिसाब से कौन एक जैसा है। तो पहला देखिए RRYY और कहीं नहीं मिलेगा आपको, तो इसलिए ये 1 हो गया। 2 की बात करें, यहाँ पे RRYY इस तरह से और कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये और ये 2 हो गया, तो ये 2 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे निकाला गया है ये जेनोटाइपिक रेशियो है और ये फेनोटाइपिक रेशियो है। फेनोटाइपिक बाहरी रूप से जो नज़र आ रहा है, राउंड ग्रीन, ग्रीन रिंकल्ड जो भी है, ये आपका फेनोटाइपिक रेशियो एंड दिस वन इज जेनोटाइपिक रेशियो। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी, और इनका डाईहाइब्रिड क्रॉसिंग ओवर जो है वो भी काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर हमारी वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैंने शुरू में भी कहा था, लास्ट में भी कहा है, लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक से हमको पता चलता है कि हम समझाने में कितने ज़्यादा मतलब सही रहे, मतलब क्या बोलेंगे उसको कि सक्षम हुए, है ना। तो लाइक से हमें ये पता चलता है कि और कुछ क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, हमारी बातें आप तक समझ में आई कि नहीं। तो लास्टली आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। डिसलाइक भी अगर कर रहे हैं तो डिसलाइक करने का कारण बता दें कि डिसलाइक आप क्यों कर रहे हैं, तो हमें पता चल जाए कि उस पर हम और काम कर सकें। तो अगर हमारे वीडियो पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और हाँ दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये 10th की आई थिंक सबसे पेचीदा जो टॉपिक होती है उनमें से एक है। तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें ये टॉपिक समझने में आसानी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।